भाई दूज आज है गाइस, और मैं बोल रहा हूँ इसको गिफ्ट दे भाई, जैसे रक्षाबंधन पे गिफ्ट लेते हैं ना, वैसे आज हमने गिफ्ट लेना इनसे। मैं बता दूं सिल्वर प्ले बटन मिलता है 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद। पापा आगे पता नहीं कितने हैं भाई, कोई 1,00,000 तो नहीं है इसमें भाई, हटना जाएगा। क्या है कि काफी सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि अपने गाँव का नाम बताओ, गाँव का नाम बताओ। हाँ भाई, भाई दूज है भाई, पैसे दे दो मेरे को। भाई दूज में पैसे लड़की देती है भाई। गांव में सबकी झोपड़ियां होती है, तो क्या होता है जब सर्दियों का टाइम होता है तो झोपड़ी के अंदर खाना बनता है, वहां मस्त चूल्हा जलता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अ न्यू एपिसोड। सो आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज मैं मस्त टाइम पे उठ गया था, मैंने अलार्म लगा रखा था 6:30 बजे का, मैं 6 बजे उठ गया था। तो उसके बाद जब तक ऊपर आया, मैं आज कल पता है कि नीचे सो रहा हूँ। और क्या है कि काफी सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि अपने गांव का नाम बताओ, गांव का नाम बताओ। तो जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे होंगे वो तो पूछ ही लेते हैं डीएम करके, और जो मेरे साथ नए नए आए हैं यूट्यूब पे, तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि अपने गांव का नाम बताओ। तो पहले मैं अपने गांव का नाम बता देता था, बट बीच में कुछ लफड़ा हो गया था, उसके बाद मैं गांव का नाम बताना मैंने छोड़ दिया है। तो अगर किसी को गांव का नाम पता करना है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करना, उसके बाद मैं वहाँ इजीली मैं रिप्लाई कर दूंगा, वहां पे बता दूंगा ना। तो फिलहाल जब तक ऊपर आया तब तक ये यहाँ पे बैठी थी गाइज, और मैंने कल बताया था कि कल था भाई दूज, तो वो गलत था शायद कि कल नहीं था भाई दूज, मैंने किसी की फोटो देखी थी इसलिए बोला था मैंने। तो भाई दूज आज है गाइज, और मैं बोल रहा हूँ इसको गिफ्ट दे भाई, जैसे रक्षाबंधन पे गिफ्ट लेते हैं ना, वैसे आज हमने गिफ्ट लेना इनसे। अब देखते हैं गाइस क्या लेंगे भाई। वो तो मैं कई सारी चीजें देता रहा तेरे को, एक जैकेट मैंने तेरे को दी, ठीक है, पता है ना। अच्छा, अच्छा जूती तूने पहन रखी होती है, हाँ जब घूमने गई थी, कौन सी जैकेट पहनती तूने? अच्छा, किसने दी थी वो बता? हाँ दिल्ली से लेके आया था मैं उस दिन, जिस दिन हम घूमने, जिस जब साड़ी लेके आया था मैं तुम सबके लिए। तो ब्लॉग मैंने सुबह ही अपलोड कर लिया था, अभी अनलिस्टेड है, पब्लिक कर देंगे। और गाइस नीचे चाय और वो प्लेट लेके जानी है, नीचे पे ब्रेकफास्ट करने गाइस, वहां पे आग भी जल रखी है, मुझे भयंकर वाली ठंड लग रही पाँव में, इतनी भयंकर ठंड होगी ना गांव में, मेरे पाँव ठंडे हो गए भाई। और अब तो शादी है भाई सचिन भाई की, उस सचिन भाई की शादी के लिए सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, आज है 15 तारीख और 22 तारीख मेहंदी है, तो भयंकर वाली ठंड होने वाली है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं भाई जैकेट वगैरह लेके आना, बहुत ठंड हो रही है गाँव में। तो नीचे चलते हैं गाइस, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ड्यूटी चलते हैं, और मिलते हैं आपको सीधा शाम को। इधर गाइस नीचे लेके जा रहा हूँ घी और चाय। हाँ भाई, भाई दूज है भाई, पैसे दे दो मेरे को। भाई दूज पे पैसे लड़की देती है भाई, और वो रक्षाबंधन पे लड़का देता है, ठीक है। तूने राखी पहनाई थी मेरे, मैं तेरे को पैसे देता हूँ। हाँ बता, सोमी थी ये लच्छे थी, दोनों को दिया नहीं मैंने, मेरे को राके मिलते तो मैं तब देता। सो गाइस रोटी बन रही है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं गाइस। सो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया मस्त करके, और अब वो करने हैं क्या बोलते हैं, आज ही जो लोग जा रहे हैं ना, तो इनके लिए दाल वो भिगो रखी है, तो पकोड़े बनाएंगे शायद। और मेरे जूते ना मैंने धुलने के लिए डाल दे कल, वो गीले हैं सूखे हैं नहीं, अब लेके जाऊंगा अपने ब्लैक वाले, गंदे हो रखे हैं। तो चलते गाइस, जाओ तुम तब, अभी रिद्ध लोग भी जा रहे हैं शायद आज। हाँ तुम मिलने जा रहे हो उनको, मिलने जा रहे हो? सो गाइस मैं तो ड्यूटी जाने लग गया था, ठीक है, और आज भैया दूजे पता है, तो इसने यहाँ देखो गाइस क्या धूप वगैरह, देखो धूप मिठाई और लिफाफा तो नहीं है, मैंने सोचा लिफाफा है इसमें, अरे पता नहीं क्या दे रही है आज यार। बड़ी बात तो नीचे गाइस, उसको काम से फुर्सत नहीं है, उसको पता ही नहीं है भैया दूजे आज, तो बोल रही है कि तूने राखी मेरे को पैसे ही नहीं दिए तो मैं क्यों दूं तेरे को बल। मैंने कहा ठीक है भाई, तूने राखी नहीं दी, मैं कैसे देता तेरे को पैसे। देखो गाइस लिफाफा आ गया, पता नहीं कितने हैं भाई, कोई 1,00,000 तो नहीं है इसमें भाई, फटना जाएगा, 1,00,000 तो नहीं है इसमें। ओके आ जाओ भाई, जीजाजी ऊपर आ जाओ तुम, जीजाजी तो भिंकर वाला काम कर रहे भाई नीचे। ये देखो गाइस रिद्धि लोग जा रहे हैं, ये देखो तुम भी और वो रिद्धि।
गाइस ये लोग जा रहे हैं, जा रहे हो तुम ना, जाओ क्या यहाँ जा, छेड़खानी मत कर, फिर रुक जा मैं फोन पहले कर। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं, बाहर तो अंधेरा हो गया आपको तो पता ही है कि अब तो और जल्दी होने लग गया, बिकॉज बीच में तो मैंने क्या था कि बीच में कभी छुट्टी थी कभी जल्दी आ जाता ना, तो उसकी वजह से तो अब और जल्दी अंधेरा पड़ने लग गया, तो अंधेरा हो गया बाहर। और आज बताऊं कहां गया था मैं, जो मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड होंगे उनको सबको पता होगा मैंने स्टेटस डाला था, तो मैं काफी टाइम से बोल रहा था कि हमने पावर हाउस के अंदर जाना है जहां से जो क्या बोलते हैं बिजली सर्कुलेट होती है, बट वो पुराने पावर हाउस से होती है, हम गए थे नए पावर हाउस, जो नया पावर हाउस बन रहा है वो हमारी कंपनी बना रही है, तो वहां गए थे आज, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला आज जाने का, वैसे कल जाना था, कल मैं छुट्टी पे था आपको तो पता ही है, तो कल इसकी वजह से नहीं गए, तो आज गए थे, तो सुबह से लंच टाइम तक हम वहीं रहे, तो अभी कल जा सकते हैं हम पुराने जो पावर हाउस है जहां से ये जो लाइटें आ रही है ना वो वहीं से आ रही है, तो शायद वहां भी जाएंगे कल, तो देखते हैं गाइस। फिलहाल क्या है कि पहले तो थैंक यू आप सब लोगों का इतना सपोर्ट बनाने के लिए, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो डेली ब्लॉग देख रहे हैं मेरे, तो उनका भी थैंक यू, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका पहले तो वेलकम। और मैं बता दूं कि सुबह मैं ड्यूटी पे जाता हूं और शाम को आता हूं, उसके बीच में ब्लॉगिंग नहीं करता हूं, तो घर आके ही ब्लॉगिंग होती है। और काफी सारे लोग ना आज मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा होगा, थैंक यू तुम्हारा विदाउट ब्लॉग देखे हुए, पहले ब्लॉग देख लो उसके बाद बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन, जो जिन्होंने देख लिया होगा उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इससे पता चलता है कि कौन मेरे ब्लॉग देखता है और कौन नहीं देखता है। और कंटेंट भी मैंने ऐसे ढूंढा था आज ना कि जिसमें सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे हुआ क्या है मतलब ना, तो जिनको पता होगा उन्होंने तो कमेंट नहीं किया, तो उन्होंने ब्लॉग देख लिया होगा। और मैं बता दूं सिल्वर प्ले बटन मिलता है 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद, और गोल्डन मिलता है 1,000,000 पे मिलता है शायद, तो अभी मेरे 3,000 भी पूरे नहीं हुए तो सिल्वर कहां से आना मेरा, तो वो कंटेंट जो मैंने डाला था वो जो बच्चे थे ना दिखाया होगा मैंने भैया को दिखाया था, तो उन बच्चों ने कहा कि लवी भैया के पास ना सिल्वर प्ले बटन मिल रखा है लवी भैया को, तो इसलिए मैंने वो कंटेंट डाला था, थोड़ी शायद कट भी हो गया था बीच में उससे, मतलब जो उन्होंने बोला था वो सुनाई नहीं दिया उसमें ढंग से ना, तो मैंने कुछ बोला था वो शायद उस टाइम मेरा फोन का स्पेस फुल हो गया था उसकी वजह से नहीं दिखाई दिया ना। तो क्या है कि आज मैंने बताया था जीजू लोग चले जाएंगे, जीजू लोग चले गए गाइस, और अब पता नहीं कितने तारीख तक आएंगे वो, तो क्या है कि उनके लिए दाल भी गई थी कल पकौड़े बनाने के लिए, शायद पकौड़े बन चुके हैं, चाय पीते गाइस, चाय के साथ पकौड़े खाते। सो गाइस ये चाय बन चुकी है और पकौड़े हैं इस पे, ये तो गाइस पकौड़े और वो सुहाने बन रखे हैं तो मेले बचा रखे। और अनु ना मेरे को कॉल कर रहा होगा शायद, तो पावर हाउस के अंदर ना वो नहीं आते नेटवर्क नहीं आते, तो शायद वो मेरे को तब से कॉल कर रहा है, अभी तक कॉल नहीं लग रही थी मेरे को, तो फटाफट इसको खाते गाइस और फिर चलते हैं चिक्की में। सो गाइस देखो क्या चस्का लग रहा है, क्या कर रहा है, स्टार्ट क्यों कर रहा है न्यूट्रल, चल क्लच में, चल क्लच में, चल भाई चक्की पे तो आ गए थे, अब जा रहे हैं घर, बोल रहा कि मैं चलाऊंगा, मन का चला भाई। तो गाइज अब जा रहे हैं अनु लोगों के यहाँ, ठीक है, तो ये चिप्स ले लिए रियांश के लिए, बहुत जिद करता है और फोन भी आया था कि कुछ ले के आना, और ये मैं तो जा नहीं रहा था इनके यहाँ, ठीक है मैं जा रहा था आसिन लोगों के यहाँ, जबरदस्त खींच के ला रहा है मेरे बिगड़ मैंने लगता नहीं, आप पीछे देखो जेब पे देखो भाई क्या है, वे कौन से स्टाइल से लड़कियों वाला भाई, लेडी बनेगा तो लेडी जेब फट रखे। और हाँ यार मुझे मेरे से गलती होगी, मैंने इसके पास बाइक दे दी, अब इसकी मम्मी से फिर पूछते गाइस देनी है कि नहीं देनी, भाई अचानक से मुझे याद नहीं था, अभी याद आया मेरे को कि इसके पास बाइक देने के लिए मना कर रखा, गबरू कॉल भी आई थी मेरे को, और गबरू कॉल भी आई थी मेरे को कि चल भाई तेरे पापा भी आए थे इधर आज, यहाँ देखो यहाँ बन गया गाइस रोटी मम्मी, ठीक है मम्मी मम्मी कुछ नहीं, ये बाइक ये बाइक ये बाहर से बाइक मांग कर रहा था, खुद ही मेरे बाइक की चाबी लाता है ये पता है, बाइक चला रहे भाई आजकल, इसको ठंड लग रही है, ठीक है गबरू ने मना कर रखा है इसके पास बाइक मत देना, तुम्हारा क्या कहना है भाई बताओ, हाँ देना है कि नहीं देना ये बताओ, नहीं देना देख सुन लिया ना, देख ब्लॉग में बता दिया मैंने, अब सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है लड़ाई हो जाए तो होने दो भाई, क्योंकि इसकी मम्मी ने और अभी तेरे पापा पास भी बोलते अंदर पापा गाली देगा तेरे को, बड़ी गाली मतलब गबरू ने मना कर रखा था ना परसों भाई, मैं भूल गया था, मैं कसम से मैं भूल गया था आज, और जब मैं नीचे आ रहा था ना तब मुझे याद आया कि गबरू ने मना कर रखा है बाइक मत देना इसके पास, ठीक है एक हाथ तो तोड़ रखा है दूसरा भी तोड़ेगा, हट जा तो आगे से
हाँ सही बात, यहाँ गिरा दी थी भाई इसने, जो पहले से मेरे ब्लॉग देखते होंगे ना यहाँ पे गिरा दी थी, फर्स्ट गियर में थी। फर्स्ट गियर जानता ही नहीं था उस टाइम, आप तो जानता हो ना, आप सीधा बहन, आप तो देना ही नहीं इसके पास, आप तो जानता हो ना, आप तो ब्लॉग में भी निकाल दे, इसने अचानक से बोला कि मैं साथ कर लूं, अपनी मम्मी से गाली कर रहा है यहाँ पे। ताइज बोल क्या बोल तूने, दोबारा बोल क्या बोला, घर में तो पहुंच चुका था, और जब तक घर में पहुंचा दिया जला रखे दीदी लोगों ने, और ये यहाँ पे बैठ चुका है, ये भी आ गया। मैंने बताया था जब इसके पापा की छुट्टी होती है ना तो उस दिन ये हमारे घर पे आ जाता है, बिकॉज इसके मम्मी के साथ कोई नहीं होता तो ये घर में रहता है, और जब इसके पापा आ जाते हैं तो हमारे घर पे आ जाते हैं। और ये यहाँ उसके लिए मंगाया था, तो नीचे चलते हैं गाइस, ये हमारी झोपड़ी है, देखो गांव में सबकी झोपड़ियाँ होती है, तो क्या होता है जब सर्दियों के दिनों का टाइम होता है तो झोपड़ी के अंदर खाना बनता है, वहाँ मस्त चूल्हा जलता है, तो लगभग सारे गांव में ही ऐसा है, तो जिनके नहीं होंगे तो उनको बहुत ठंड लग रही होगी। ये देखो गाइस नंगू किसके बुरन हॉल हो इसके लिए ये देखो गाइस आग बोल रहे अनु कहाँ गया, अनु ऊपर है बेटे, अनु ऊपर बैठ रहा, मैंने दिखाया था ना यहाँ पे आग सेकती गाइस मस्त, यहाँ पे सब लोग बैठ रखे हैं, ये देखो दीदी, ये है मम्मी हरियाश, और ये यहाँ पे बैठी दादी। सो गाइस अभी बैठे थे हम यहाँ पे, ठीक है, तो अभी देख रहे थे हम पहाड़ी भाईगढ़ जो है ना उनके ब्लॉग देख रहे थे हम, तो वहाँ ना जो बहलो जलाते हैं ना वो लकड़ी पे जलाते हैं, मतलब लकड़ी घुमाते हैं, हमारे यहाँ आपने देखा वो कैसे घुमा रहे थे, लकड़ी पे तार बांध के उसको घुमा रहे थे जला के ना, तो हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज है भाई, उधर के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, वैसे सभी जगह के अच्छे लगते हैं, बट वो भी ना थोड़ी हटके हैं, मतलब हमको पता नहीं लगता, बट हम जब ब्लॉग देखते हैं तब जाके हमें पता लग जाता है कि काम क्या सीन। और ये देखना इतना हरामी हो गया ना, आप मेरे को सीधा लवी बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे थे अभी, मेरा नाम क्या है, छिपा दिया दादी ने, सब बोल रहा छिपा दिया, अभी क्या बोल रहा था, लवी बोल रहा था ना तू मेरे को, कौन है रिया तो? मामा काकू का उसको पता लग जाता है ब्लॉग बना रहा है, पीछे से देखता रहता है बैठ के ना, अब जाके मामा बोल रहा है, वैसे नहीं बोल रहा, अभी लवी बोल रहा था, ओ बाबा मस्त रोटी बनती है गाइस, ये देखो रोटी तो बन चुकी है, अनु को बुला रहा है बट अनु नीचे नहीं आ रहा भाई, वो पबजी में बिजी है, मेरे को बोल रहा था नीचे कहाँ जा रहा, मैं तेरे को गेम खिलाता हूँ, अभी मिलते गाइस ऊपर में, रोटी ऊपर ही ले जानी है शायद खाने के लिए, यहीं पे खानी है तो आज यहीं पे खाएंगे, मैंने बताया था बल्ब नहीं था यहाँ तो बल्ब लगा दिया आज, भाई आए थे ना जिन्होंने हमारी लड़िया नहीं लगाई थी, मतलब लड़िया हमने लगा दी थी बट बाद में वो शॉर्ट हो रहा था, लास्ट में तार ज्वाइंट हो रखा था उसकी वजह से शॉर्ट हो रहा था, तो अभी आ रहे थे भैया जिस टाइम हम चक्की में जा रहे थे, अब जाके मस्त चमक रहे इस वाले कमरे में, देखो कितना मस्त ब्लॉग बन रहा है यहाँ से, क्लियरिटी भी मस्त आ रही है, और यहाँ पे ना आग सेकने का मजा ही कुछ और है भाई, कौन लेके आया ये कौन लेके आया, किसका मामा, वो रिद्धि लोग कहाँ गए, हरियाश गुम्मी कहाँ, गाड़ी, अच्छा तू नहीं गया उनके साथ, हाँ भाई अच्छा रोटी खा ले रियांश, ओके गुड बोल दे, गुड ओके ओके, तो बोले मम्मी को, नानी को ओके बोल दे, आज बनी है घर में मस्त क्या ये छेमी की सब्जी और आलू की सब्जी, और घी के साथ इतनी मस्त होती है ना, हमारे लग रखे ना छेमी, तो चाची लोगों के लग रखे है, ये वही वाला तो नहीं है जो मैं दिखा रहा था यहाँ पे, ये जो मैंने जो जिसने पिछले वाले ब्लॉग देखे होंगे जिस टाइम यहाँ मंडाना लगा था, उस टाइम मैंने छेमी की वो बेल दिखाई थी आपको, तो उससे निकाल के लाया इसको, इतनी टेस्टी हो रही ना मस्त भाई, अन्नू ने हाँ अन्नू तो आजकल बासी खा रहा भाई, बोल रहे अब आदत पड़ गई बासी खाने की। सो गाइस हमने तो खाना खा लिया मस्त करके, और ये यहाँ बैठ रखा भाई कब से गेम खेल रहा है, देख रहे हो ये तो घर से खाना खा के आ गया था, मस्त बासी तूसी खाना, ठीक है अब यहाँ पे बैठ रखा, मेरे पास भी दे भाई मैं खेलता हूँ थोड़ी देर, नहीं मैं खेल रहा हूँ ना भाई,
मेरे को पबजी खेलने के लिए दे, चार्ज नहीं, यहाँ दे, मैं करता हूँ चार्ज, कोई बात नहीं, मैं दूसरा खेलूंगा, यहाँ दे। सो गाइस फाइनली रात के बज रहे 11, मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, मेरे को नींद पड़ गई थी, ये देख रहा हूँ, इसने मेरे को उठाया कि ब्लॉग एडिट कर रहा है तो ढंग से कर ले, नींद पड़ रही है तेरे को, तो तब जाके मैं उठा। और अब ये देखना, तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।